हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती और मेरे चैनल आदि मोनू किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपके लिए गर्मियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बिना इमली के बना करके तैयार करेंगे और खाने में इतनी टेस्टी कि आप चाहे उसे दही बड़े के साथ खाएं या फिर पापड़ी चाट के साथ में खाएं, इतनी टेस्टी लगती है कि आप बार बार बना करके स्टोर करेंगे और आप इसे एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी खट्टी मीठी सी चटनी। इस टेस्टी सी रेसिपी को तैयार करने के लिए आधा किलो मैंने अंगूर लिए हैं। आज हम इस रेसिपी को अंगूर से बना करके तैयार करने वाले हैं, तो इसे हम सबसे पहले धो करके रख लेंगे। अंगूर को हमने दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। अब ये हमने जार लिया है, तो इसमें हम अंगूर को डाल देंगे। अंगूर को हम पीस करके तैयार करेंगे और अंगूर में अपने आप ही अंदर पानी होता है, तो इसमें हम पीसते समय पानी का यूज नहीं करेंगे। अंगूर को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। एक बड़े साइज का बाउल लिया और उसके ऊपर रखी है ये छन्नी। तो सबसे पहले ये जो हमने अंगूर का जूस तैयार किया है उसे हम छान लेंगे, जिससे कि अंगूर के जो भी बड़े पीसेस होंगे वो अलग हो जाएंगे और जूस अलग हो जाएगा। स्पून से इस तरीके से इसे हम चलाएंगे। ये देखिए जूस इसका एकदम अलग हो रहा है। अंगूर में से हमने सारा जूस निकाल लिया है और जो ये अंगूर का छिलका बचा है उसे हम सेट कर देंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, तो 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच सौंफ। सौंफ हमारी भुन चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप गुड़। आधा कप हमने गुड़ डाला है और 2 बड़े चम्मच इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो सिर्फ गुड़ डाल के भी इसे बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से शक्कर और गुड़ दोनों डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। चलाएंगे। 1/4 कप इसे में पानी ऐड कर रही है, जिससे कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। और अब गुड़ को हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। इस रेसिपी में आपको गुड़ की चाशनी नहीं तैयार करना है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट ही करना है। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। ये देखिए गुड़ के एक भी बड़े पीसेस नहीं दिख रहे हैं, बस गुड़ को हमें इतना ही पकाना है। इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने अंगूर का जूस तैयार किया है उसे डाल देंगे हम। और अब अंगूर का जूस डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे गुड़ के साथ में। चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है और ये देखिए इसमें उबाल भी आने लगा है, तो एक बार वापस से चला देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। आधा चम्मच इसे मैं काला नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसे मैं सोंठ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा छोटी चम्मच इसे मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ तीखेपन के लिए। 1 पिंच इसे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है चटनी में। जिस तरीके की खट्टी मीठी चटनी हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसी बनकर के तैयार होगी जब आप इस तरीके से हल्का सा इसमें फूड कलर डालते हैं। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 1 पिंच ही डाला था इसमें फूड कलर। आधा छोटा चम्मच सादा नमक भी डाल देंगे। और अब चटनी को हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे पकाना है। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसे घोल करके उसके स्लरी तैयार करके लिए, तो उसे भी डाल देंगे चटनी में। एक बार वापस से चला देंगे। देखिए जैसे जैसे चटनी हमारी पक रही है तो ये अपने आप ही गाढ़ी होती जा रही है। तो चटनी को हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंगूर कम खट्टे हैं तो आप इसमें खट्टेपन के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। टोटल आपको ये चटनी को 12 से 13 मिनट तक पकाना है, तभी आपकी चटनी एकदम अच्छे से पकेगी। जब आपकी चटनी हल्की सी गाढ़ी हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। ये देखिए हल्की हल्की ये गाढ़ी होने लगी है, तो इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। ठीक है, 5 मिनट हमने इसे गुड़ डालने के बाद पकाया था और उसके बाद जब हमने इसे मसाले डाले तो उसके बाद हमने इसे 5 से 6 मिनट तक और पका लिया। 12 मिनट से ऊपर हो गया है और ये देखिए चटनी भी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है और ये देखिए हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है। अभी ये गर्म है और जब ये ठंडी होगी तो इसके बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। टोटल हमने चटनी को 12 से 13 मिनट तक पकाया है और ये बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी तीखी चटपटी से अंगूर की चटनी हमारी तैयार है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे सर्व करेंगे।
अंगूर की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी चटनी हमारी तैयार है। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया देखने में। आप इसे दही बड़े पापड़ी चाट किसी भी साथ में खा सकते हैं और आप इसे एक बार बना करके महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतनी टेस्टी लगती है ये चटनी खाने में कि यकीन मानिए घर में अगर आपने एक बार बना लिया ना तो घर में किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने इसे बिना इमली के बना करके तैयार किया है और इस फटाफट से ख़त्म हो जाएगी और आप इसे बार बार बना करके खाना चाहेंगे। तो आपको ये मेरी अंगूर की खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।